आज हम आपको दिखाते हैं चिकन राइस बनाना। एक कढ़ाई में हम तेल डाल दिया। कढ़ाई में तेल डालने के बाद ऊपर से हमने बढ़िया करके महीन प्याज काटा। प्याज काटने के बाद इसको तेल में फ्राई कर देंगे। तेल में फ्राई करने के बाद इसमें हमारा पड़ेगा एक अंडा, जो चिकन राइस का स्वाद को बढ़ाता है। ये हमने अंडा फोड़ दिया। इसको भी बढ़िया से पका लेते हैं, महीन भुर्जी जैसे बना देंगे। उसके बाद हम डालेंगे चिकन, चिकन जो कि हमने पहले से ही इसको रोस्टेड किया है, बढ़िया करके पका दिया गया है। अब इसको हम छोटे छोटे भागों में काट लेंगे, और छोटे छोटे भागों में काट के ताकि ये पूरे में मिल जाए, इसको महीन काट दिया जाएगा बारीकी से। और महीन काटने के बाद इसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे, और ये कढ़ाई में डालने के बाद इसको भी सबको हम मिला देते हैं, क्योंकि चिकन हमारा पहले से ही ऑलरेडी पका हुआ होता है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सर राइस। ये राइस है, इस राइस को भी हम लोग पहले ही पका के बॉईल करके रख देते हैं, ताकि जो आए तो 2 मिनट में इसको हम तैयार करके दे दें। फिर हम इसमें डालेंगे आवश्यकता अनुसार मसाले, जिसको जो खाना है, ग्राहक की सुविधा के अनुसार ही हम लोग सामान देते हैं। और इसमें अजीनोमोटो का प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग खाने वाले होते हैं। फिर हमने इसमें मिला दिया मन मनाने के बाद बढ़िया इसको हम ऐसा मिला के मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें पूर्ण रूप से देखने में सुंदर लगे, और एक एक दाने में नमक और मिर्च और मसालों का स्वाद आ जाए। ये हमारे चिकन राइस बन के तैयार। ये चंजी फास्ट फूड अंजनिया में आज भी 50 रुपये की हाफ प्लेट दी जाती है। ये हमारा चिकन राइस बन के तैयार।